असलम ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे अच्छा कुछ स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि हमें कुछ डॉट नेट के ए एस पी डॉट नेट एम एस सी के कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों से शेयर करूँ अच्छा कुछ थ्योरेटिकल वर्क हम देखेंगे आ, कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं वो आप लोगों को आने चाहिए उसके बाद हम एम एस सी स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ वीडियोस ये बेसिकली आप लोगों के जो बी के स्टूडेंट्स होते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है मतलब आप ज़्यादा प्रोफेशनल्स की बात तो मैं नहीं कर सकता लेकिन एक फ्रेश लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक की चीज़ें हम इसमें ज़रूर कवर करेंगे ठीक हो गया तो उम्मीद है आप सब लोग इसको सुनेंगे और जब वीडियो कंप्लीट करेंगे तभी आप मुझे बता सकेंगे कि आप लोगों को इश्यूज हैं या नहीं है ठीक हो गया सबसे पहले तो हम बात करते हैं ई एस पी डॉट नेट होती क्या है इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करते हैं अच्छा डॉट नेट इज़ अ फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्री का मतलब यह है कि ओपनली अवेलेबल है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म का यह मतलब होता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे नहीं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप इसकी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म का मतलब होता है विंडोज प्लेटफॉर्म है लिनिक्स प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली

अगर आपको आती हैं तो आप इजीली इजिली स्टॉटनेट फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं एंड लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज का मतलब ये है कि बिल्ट इन फ्री कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल है मतलब अक्सर हम एल्गोरिथम्स पढ़ते थे या डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसमें हम सॉर्टिंग वगैरह करते हैं तो वो सॉर्टिंग का कोड हम खुद से लिखते हैं लेकिन ये जो लाइब्रेरीज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है ये बनी बनाई चीजें हैं सर्चिंग के एलगोजम होंगे सॉर्टिंग के होंगे आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बने बनाए हैं आपको बनाने नहीं पड़ते टू बिल्ड अ वेब मोबाइल और डेस्कटॉप और गेमिंग एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है आजकल बहुत मार्केट में इस पे काम हो रहा है तो इन सब किस्म की एप्लीकेशन को डिवेलप कर सकते हैं तो डॉटनेट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज में काम करने वाले लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन आप डिवेल्प कर सकते हैं ठीक हो गया उसके बाद ये है कि .NET इको सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है डेट हैज मेन थ्री हाई लेवल कंपोनेंट्स इसके अलावा भी हैं लेकिन मैं मेन थ्री की बात करता हूँ जिसमें से .NET फ्रेमवर्क है डॉट नेट फ्रेमवर्क वो है कि आप इनिशियली जब स्टार्ट हुआ माइक्रोसॉफ्ट तो उसमें डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट पर होती थी

प्लेटफॉर्म पे चल सकती है उसके बाद चीज है।, ये वो, ये वो है जिसके ऊपर आप जो है ना मोबाइल अपलिकेशन की टाइप की डेवलपमेंट कर सकते हैं तो समराइज करते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क कैसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप डेवलपमेंट करेंगे फॉर एक्जाम्पल एस पी डॉट नेट की बात कर रहा हूँ एम वी सी की बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे विंडोज डिपेंडेंट है विंडोज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है लेकिन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर आ गया जिसकी वजह से आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे रन डेवलपमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको ए एस पी डॉट नेट वेब की डेवलपमेंट आती है काम करना आता है तो आप इजिली मूव हो सकते हैं डॉट नेट कोर के ऊपर थोड़ी सी चीजें एडवांस है हैं, लेकिन वो इजिली सीख सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस चीज पे ग्रिप uh, है तो आप इजिली डॉट नेट कोर पे मूव कर सकते हैं अच्छा कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करें तो डॉटनेट आपको बताया कि पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क होता है इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि ये सपोर्ट करता है डॉट नेट प्लेटफॉर्म तो वो कह रहे हैं कि सेवेंटी प्लस लैंग्वेजेस हैं जिसमें अगर आपको काम आता है तो आप इसके एसपी या किसी भी प्रोजेक्ट पे माइक्रोसॉफ्ट के जो में बना रहे हैं उसमें काम कर सकते हैं कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है इसकी मजीद डिटेल में आपको बात बताऊंगा लेकिन समझने का मतलब ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले तो बनेंगी फिर उसके बाद आपके पास बेस क्लास लाइब्रेरी है मैंने आप क्लास लाइब्रेरी को बताया बिल्टिन फंक्शन होते हैं और फिर इसके बाद उसके बाद कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होते हैं कॉमन लैंग्वेज के मतलब सारी लैंग्वेजेस एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होती है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, या है। इसकी में आपको आगे बताता हूँ अब सी एल आर एक मेन कंपोनेंट है कंपोनेट होता है क्यों जरूरी है आपको बताना ये इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी टेबल पे बैठेंगे इंटरव्यू की अगर आप डॉट नेट पे काम करने में इंटरेस्टेड है तो इसका आंसर लाजमी है आपके लिए तो सी एल आर एग्जीक्यूशन मॉडल आपको मैंने बताया कि आपके पास सोर्स कोड होता है जिसमें आप डेवलपमेंट करते हैं सी शॉप का कोड लिख रहे हैं सी प्लस प्लस का लिख रहे हैं या वीबी का लिख रहे हैं या एक्स वाई जी लैंग्वेज का लिख रहे हैं तो बेसिकली हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है या ट्रांसलेटर होता है ऑब्वियसली अगर आप कंप्यूटर एक जो है ना नेटिव कोड समझता है तो उसको समझाने के लिए आपने ट्रांसलेट करना है आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो सिस्टम को समझानी है आपने तो बेसिकली कंपाइलर कन्वर्ट करता है

और फिर उसके बाद जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जिट कंपाइलर होता है जो क्या करता है कि इस कॉमन लैंग्वेज को नेटिव या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती है तो बेसिकली सी एल आर एक कंप्लीट कंपोनेंट है उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको क्लाउड के बारे में बता देता हूँ क्लाउड होता क्या है ये क्लाउड सर्विसेज मॉडल क्या होता है इसमें बेसिकली हमारे पास जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम किसी इन्वायरमेंट में उसको चला रहे होते हैं तो ट्रेडिशनल आईटी की बात करें फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका अपना सर्वर लगा हुआ है तो वो क्या कर रही होती है नेटवर्किंग उसकी अपनी होती है स्टोरेज उसकी अपनी होती है उस, uh, उसके अपने होते हैं खुद से इंस्टॉल मतलब इसका कहने का मतलब ये है यह सारे के सारा खुद मैनेज कर रही होती है विर्चुलाइजेशन हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम उसका खुद मैनेज करते हैं मिडलवेयर रन टाइम डेटा एंड एप्लीकेशन सारा का सारा वो खुद मैनेज कर रही होती है एक डिपार्टमेंट तो इसको हम ट्रेडिशनल आई स्ट्रक्चर कहते हैं इसमें रिस्क सारा का सारा उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है कि उसकी जिम्मेदारी होती है इन चीजों को संभालना अगर कोई इशू आता है तो एप्लीकेशन स्टॉप हो सकती है दुनिया मूव हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया उन्होंने तो हमारे पास दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर हमारे पास सॉरी एप्लीकेशन डेटा रन टाइम एंड मिडिलवेयर जो बेसिकली यू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है और ये सारी की सारी चीजें तो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है जिसको हम आई ए एस बी कहते हैं फिर उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आप क्या करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आप एज ए परचेज कर लेते हैं और एप्लीकेशन और डेटा खुद से मैनेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी है आप कहते हैं डेटा मैं खुद मैनेज करूंगा और मेरी सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन है मैं खुद मैनेज करूंगा बाकी रन टाइम मिडिल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सर्वर स्टोरेज ये सारी की सारी आप उनको जिम्मेदारी देते हैं कि ये चौबीस घंटे एक्टिव होने चाहिए तो वो इससे इसकी आपके चार्जेस लेंगे ऑन डिमांड चार्जेस होते हैं आप जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे ठीक है ना Suppose, आप कहते हैं कि मैंने हंड्रेड रुपीज किया खुद खर्चा करते हैं तो आपको इतने बड़े बड़े सर्विस लगाने पड़ते हैं आपको पता नहीं है कि कल को हो सकता है आपका यूज ज्यादा हो जाएगा फिर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा लेकिन ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि आप परचेज करते हैं और जितना आप इस्तेमाल करते हैं आप कहते हैं मुझे पहले तो आप मुझे जो है ना इतना प्रोसेसिंग पावर देख रहे थे आप मुझे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर दे तो उसी वक्त ही आपको पैसे ज्यादा देने पे मिल जाएंगे तो एप्लीकेशन और डेटा आप, आप सारा सारा गूगल की कोई सर्विस परचेज करके इस्तेमाल हैं या कोई सैप का सॉफ्टवेयर है इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको एज अ सर्विस परचेज करते हैं सारी चीजें वो आपको लॉग देते हैं फॉर एग्जाम्पल जी तो भी फ्री है अब जी को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। हैं सपोज करते कि गूगल हमसे पैसे लेता है सर्विसेज के तो हम सिर्फ जीमेल पे लॉग इन करते हैं हमारे पास नेट होना चाहिए इसके अलावा ना एप्लीकेशन मैनेज करेंगे ना डेटा मैनेज करेंगे ना run, हमें टेंशन नहीं है कि सर्वर जल जाता है सर्वर चल रहा है सर्वर स्टॉप हो गया आपको चौबीस घंटे जीमेल एक्टिव मिलता है अगर हम खुद से मैनेज करेंगे तो सारी जिम्मेदारी हमारे पे होगी लाइट होनी चाहिए नेट होना चाहिए होनी चाहिए होना चाहिए तो तो ये चीज मुश्किल हो हो जाती है तो इसको हम सॉफ्टवेयर एज सर्विस अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सॉफ्टवेयर एज सर्विस बना सकते हैं फॉर आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक एक बार बना लिया आप एक स्कूल को लॉग बेच रहे हैं दूसरे को लॉग बेच रहे हैं तीसरे को लॉग बेच रहे हैं लेकिन पीछे सॉफ्टवेयर एक ही चल रहा है तो इसको हम अपनी साइड से कह सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर एज सर्विस डिफरेंट क्लाइंट को दे रहे हैं तो ये बेसिकली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्सर क्लाउड के क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्लाउड होती क्या अभी तक हमें बादल चादल का में आते है। लेकिन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यह चीज होती है ठीक हो गया अच्छा इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास ये डॉट नेट फ्रेमवर्क हो गया ये थोड़ी सी चीजें हैं ये खत्म होने वाले हैं इसके बाद हम कोर डेवलपमेंट की तरफ आते हैं ठीक है डॉट नेट फ्रेमवर्क बिल्कुल सेपरेट चीज है जिसकी अपनी बेस क्लास लाइब्रेरी है डॉट नेट कोर की सेपरेट है और की अपने है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं डॉटनेट व्हील स्टूडियो की बात करें तो ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर सकते हैं वेब है क्लाउड है मोबाइल है गेमिंग है आईओ टू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे सारी की सारी चीजें आप व्हील स्टूडियो को यूज करते हुए डेवलपमेंट कर सकते हैं ठीक हो गया अब डॉटनेट डेवलपमेंट मॉडल में हम बात करें तो वेब पेजेस थे इससे पहले जो है ना आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते थे उसके बाद वेब फॉर्म्स आए उसके बाद एमवीसी एमवीसी भी काम होना शुरू हो गई आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्वियसली जिन्होंने एमवीसी में प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है वो डॉटनेट के जो क्योंकि इतनी बड़ी एप्लीकेशन अगले ने पांच साल में एमवीसी का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो ऐसे खत्म तो नहीं कर सकते एक दिन में ये चलता रहेगा लेकिन ये है कि अब जितनी भी नई डेवलपमेंट हो रही है वो सारी की सारी डॉट नेट पे जा रहे हैं तो आप भी कोशिश करें इसको सीख लें लेकिन डॉट नेट में फिर मूव करें तो वेब पेजेस और वेब फॉर्म तकरीबन खत्म होने वाले हैं MVC, क्योंकि जो एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली वो तो चलते रहते हैं हम इतने जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकते उनको लेकिन MVC थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल है जो कि हमने यूज किया था जिसको मॉडल व्यू कंट्रोलर कहते हैं इसको मजीद में देखते हैं MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर होता क्या है फ्रेमवर्क फॉर द बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग MVC मॉडल MVC बेसिकली डिजाइन हम कह सकते हैं या आर्किटेक्चरल पैटर्न कह सकते हैं आर्किटेक्चर पूरा का पूरा एक, एक, एक बड़ी एप्लीकेशन का डिजाइन होता है

मॉडल कंटेन द बिजनेस लॉजिक या हम डेटा के मॉडल होते हैं कंट्रोलर इंटरफेसेस विद द मॉडल टू क्रिएट अ डेटा फॉर द व्यू कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आती है बेसिकली वही मॉडल के अंदर डेटा लेता है और व्यू को प्रोवाइड करता है तो ये देखें कंट्रोलर से मॉडल व्यू या कंट्रोलर से डायरेक्ट व्यू ठीक हो गया और व्यू रेंडर्स द कंटेंट ऑफ द यूजर एंड रिलाइज यूजर कमांड्स टू द कंट्रोलर ठीक है ना तो कंट्रोलर जो है ना सारा का सारा काम कर रहा होता है यहाँ पे देखें क्लाइंट है ब्राउजर है या आप खुद है आप ब्राउजर ओपन करते हैं एच टी रिक्वेस्ट करते हैं जो भी रिक्वेस्ट लिखते हैं ना एच टी टी पी रिक्वेस्ट होती है वो कंट्रोलर के पास आती है अब हो सकता है कि कंट्रोलर ने सिर्फ व्यू रिटर्न करना हो तो कंट्रोलर आएगा व्यू के पास व्यू उठा के वापस रिटर्न करा देगा हो सकता है कि उस व्यू के ऊपर कुछ डेटा भी हो तो कंट्रोलर क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा मॉडल को मॉडल डेटा लेगा डेटा वापस मॉडल में आएगा मॉडल के अंदर फिट होगा सपोज मॉडल को हम स्टूडेंट कह सकते हैं तो वो स्टूडेंट की क्लास बनी हुई है जिसके अंदर डेटा बेस से डेटा आया है मॉडल के अंदर और मॉडल ने व्यू को दिया व्यू ने डेटा डिस्प्ले किया और वापस क्लाइंट के पास चला गया तो बेसिकली कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आती है और यही आगे कॉन्टेक्ट करता है चाहे व्यू से चाहे मॉडल से ठीक हो गया तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है जिसको हम डिटेल में देखते हैं ठीक हो गया इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं जिसमें हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर कोडिंग से स्टार्ट करते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच